नमस्कार, मैं दीपाली आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ। और देखते हैं आज का दिन यानी कि 7 दिसंबर 2021 कैसा जाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूँ तो आज का दिन पॉजिटिविटी को इम्ब्रेस करके चलना है। सामान्यता जाएगा, कुछ खास उतार चढ़ाव चीज़ों में देखने को नहीं मिलेगा, मन आपका शांत रहेगा। प्रोफेशनली अपने लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप अपने लिए एकत्रित भी कर पाएंगे, अपने लिए पॉजिटिविटी भी देख पाएंगे। जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं, रहने का भी जिनका कुछ ना कुछ प्रोसीजरल वर्क चल रहा होगा वहाँ पर अब्रॉड में सेटलमेंट को लेकर, वो परिस्थितियाँ भी उनके लिए आज के दिन शुभता शुभ संकेत लेकर आ सकती हैं। साथ ही साथ आज के दिन नवीनतम प्रोजेक्ट्स को भी आप टेकअप कर सकते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए हो या पर्सनल ग्रोथ के लिए। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन प्रोफेशनली आपको अपने ऊपर फोकस बनाने का है, अपने मन को शांत रखने का है। पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते चलिए। नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचारों को अपने आप से दूर रखिए। साथ ही साथ कुछ नया अगर सर्टिफिकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाह रहे हैं, कुछ नया अपने लिए एकत्रित करना चाह रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ मन में विचार आ रहे हैं नई चीज़ों को एम्ब्रेस करने के, जो खास तौर पर आपके लिए प्रोफेशनली या फिनेंशियली काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं, तो उस पर आपको बढ़ना चाहिए। जो लोग प्रोफेशनली कुछ एडेड सर्टिफिकेशंस करना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन सर्वोत्तम माना जाएगा। साथ ही साथ जो लोग नौकरी चेंज करने के इच्छुक हैं और लंबे समय से किसी इंटरव्यू या परिस्थिति का वेट कर रहे हैं, वो भी अब आज के दिन उनके लिए पॉजिटिविटी लेकर आ सकती है अवस्था। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए शुभता शुभ संकेत सब तरफ से लेकर आ सकता है। आपको अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे काबू पाना है, मन को स्ट्रांग रखना है, विचारों को प्रबलतम तरीके से ऊपर शिखर पे ले जाके हुए कोई स्ट्रांग डिसीजन लेना पड़ सकता है जो आपके और आपके परिवार के लिए पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है। नेगेटिव एस्पेक्ट्स को अपने आप से दूर रखिए। साथ ही साथ लंबे समय से चल रही कोई बीमारी में भी अब आपको शुभता शुभ संकेत या बीमारी से कंप्लीट निजात भी देखने को मिल सकती है। पारिवारिक स्थिरता और अखंडता बनी रहेगी, इसमें तो कोई दोराय नहीं है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। मन शांत रहेगा कर्क राशि वालों, कहीं ना कहीं हॉलिडे मूड में भी रह सकते हैं और आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ हॉलिडे भी प्लान कर सकते हैं। ये छोटा सा गेट टुगेदर या रिलैक्सेशन का जो आपका समय है वो आपको और रिजुविनेट करके जा पाएगा। आप पूरी एनर्जी के साथ वापस काम पर आ पाएंगे और बेहतरीन तरीके से काम को अप टेकअप भी कर पाएंगे। कुल मिला के स्ट्रैटेजीज में परिवर्तन या नई स्ट्रैटेजीज को एम्ब्रेस करके आप अपने लिए शुभता शुभ संकेत या पॉजिटिविटी भी ला सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में आपको पॉजिटिविटी या शुभता देखने को मिल सकती है। खास तौर पे अगर आप प्रॉपर्टी सेल आउट करने की सोच रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक बेहतर डील देखने को मिल सकती है। जो लोग कंट्री से बाहर ट्रैवलिंग के लिए या वहाँ से पे सेटलमेंट के लिए इच्छुक हैं वहाँ पर भी डॉक्यूमेंट्री वर्क आगे बढ़ सकता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ लंबे समय से चल रहा अगर कोई पारिवारिक तनाव है जो लीगल फोरम पर कहीं चल रहा है, तो उसमें भी आपको पॉजिटिविटी या शुभता या शुभ संकेत देखने को मिल सकता है। मन आपका शांत रहेगा, विचार आपके प्रबलतम शिखर को छूते रहेंगे, परिवार की तरफ से सपोर्ट भी आपको मिलता रहेगा। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, नया वाहन खरीदने का आपका योग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, कुछ ना कुछ नई प्लानिंग कर सकते हैं, घर चेंज करने का भी या रिलोकेशन का भी आपकी परिस्थितियां बन रही हैं। तो अगर आप रिलोकेट करना चाहते हैं कार्यक्षेत्र के संदर्भ में, कार्यक्षेत्र की किसी अवेलेबिलिटी या उसकी कुछ रिक्वायरमेंट की वजह से, साथ ही साथ अगर आप बिजनेस में भी विस्तार या एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। अगर मल्टीपल इनकम रिसोर्सेज में भी, यानी कि काम में रहते रहते दूसरे तरफ भी अगर आप अपना योजना कुछ बना रहे हैं तो वो भी आपकी सक्सेसफुल होती हुई नज़र आएगी। कुल मिला के आपके लिए आज का दिन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करिए, आगे चलते चलिए। सामान्यता आज का दिन जाएगा, कुछ खास उतार चढ़ाव चीज़ों में देखने को नहीं मिलेगा, मन आपका शांत रहेगा। साथ ही साथ आपके लिए कोई पिता या पिता तुल्य सदस्य बहुमूल्य राय दे सकता है जो आपकी परिस्थितियों को और ज़्यादा एक नया आयाम दे सकता है, नया इंट्रोस्पेक्टिव व्यू भी आपके लिए लेकर आ सकता है। परिवार में चल रही कोई करंट सिचुएशन को लेकर या फाइनेंशियल सिचुएशन हो या फाइनेंसिस को आपको प्लान करने की कुछ ना कुछ अगर आप योजना बना रहे हैं तो इफेक्टिवली अगर आप देखें तो इफेक्टिव मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं या उसका जो प्रभाव होगा वो किसी वृद्धतम सदस्य के राय मशवरे से वो एक्सीलरेट हो जाएगा योग, यानी कि आपको और कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए उन सभी चीज़ों को दूर रखने का है जो आपके मन में नकारात्मक विचार लेकर आते हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए।
मन शांत रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, सामान्यता चलता रहेगा आपका दिनचर्या, कुछ खास उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। परिस्थितियां पॉजिटिव रहेंगी, अनुकूलता बनी रहेगी, मन विचार परिस्थिति सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगी, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। कुल मिला के ये अच्छा एक योग है, अच्छी परिस्थिति है, इसको आपको इम्प्रेस करके आगे चलना चाहिए। विचारों में कॉन्फिडेंस आपके दिखना चाहिए, कोई फर्म डिसीजन प्रोफेशनली आप ले सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कुल मिला के आपके स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ भी आज के दिन दूर होती हुई नजर आएंगी। बात करते हैं धनुराशि वालों के लिए। धनुराशि वालों, परिस्थितियां आपके लिए फेवरेबल रहेंगी इन ऑल दी एस्पेक्ट्स। मन आपका शांत रहेगा, लोग आपके काम की तारीफ करते हुए भी नजर आएंगे। लंबे समय से चल रहा कोई अगर पारिवारिक ऋण है तो वो भी स्थिरता का रूप लेता हुआ नजर आएगा, लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। साथ ही साथ लंबे समय से चल रहा कोई अगर आपका पारिवारिक तनाव या लीगल तनाव होगा तो वो भी स्थिरता का रूप लेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ जिन लोगों के परिवार में वृद्धतम सदस्य अगर बीमार होंगे तो वहाँ से भी आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, यानी कि उनके स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं दूर हो सकती हैं, पॉजिटिविटी आपको सब तरह से चीज़ों में देखने को मिल सकती है। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए शुभता शुभ संकेत लेकर आ सकता है, सब तरफ से पॉजिटिविटी आ सकती है। आप कहीं ट्रैवलिंग के इच्छुक हैं, ट्रैवल करने के लिए इच्छुक हैं परिवार के साथ, तो आप आगे जा सकते हैं। परिवार के साथ बिताया गया समय आपके लिए शुभता शुभ संकेत या वैल्यूबल इंसाइट्स आपको दिखा सकता है, जो आगे के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, परिस्थितियाँ आपके लिए फेवरेबल रहेंगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मन आपका शांत रहेगा, कहीं ना कहीं आप उन सभी चीज़ों को बेहतर तरीके से एम्ब्रेस कर पाएंगे या व्यू पॉइंट डेवलप कर पाएंगे, जहां पर पहले आपको कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस या नेगेटिविटी देखने को मिलती थी। आपके पास कुछ नया प्रोजेक्ट आ सकता है जो आपकी आर्थिक सिचुएशन को और ज़्यादा प्रबल बना के जा सकता है। पारिवारिक तनाव भी कम होगा और पार्टनर के साथ चल रहा मन मुटाव भी आपके लिए कुछ ना कुछ शुभता शुभ संकेत लेकर आएगा, यानी कि वहाँ पर भी आपको स्थिरता देखने को मिलेगी। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी अगर आपका हो रहा है तो वो भी सेटलमेंट के दायरे में आता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। लंबे समय से जो लोग ट्रैवलिंग के इच्छुक थे, वहाँ आप ट्रैवलिंग इंडिकेटेड है, तो कार्यक्षेत्र के संदर्भ में अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे थे तो वो परिस्थितियाँ आपके लिए फेवरेबल होती हुई नजर आएंगी। जिन लोगों का प्रमोशन रुका हुआ था वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लंबे समय के बाद उनके साथ जस्टिस हो रहा है। साथ ही साथ कार्यक्षेत्र में आपके अपने बॉसेस से या पर बॉसेस से परिस्थितियां अच्छी होंगी, रिलेशनशिप अच्छे डेवलप होंगे, रैपोर डेवलप होगी, आप अपने विचारों को बहुत ही प्रबलतम तरीके से सामने रख पाएंगे और सामने से भी आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। सामाजिक साख या प्रतिष्ठा में भी इजाफा होगा, पराक्रम में वृद्धि होते हुए देखेंगे, लोग आपके विचारों से आप सहमत होंगे या उसके साथ चलेंगे, लीडरशिप स्किल्स भी डेवलप होते हुए कार्यक्षेत्र में देखेंगे। कुल मिला के पॉजिटिव चेंज है, इसे एम्ब्रेस करिए, आगे बढ़ते चलिए, जिससे कि आप अपनी चीज़ों में पॉजिटिविटी स्थिरता देख पाएँ। साथ ही साथ लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक ऋण भी आपके लिए कम होता हुआ नजर आएगा, यानी कि इनकम में इजाफा होगा, तो ऋण की पूर्ति या ईएमआई जो इंस्टॉलमेंट्स जा रही हैं वो जल्दी से खत्म हो सकती हैं। जो लोग नए वाहन लेने के इच्छुक हैं उसमें भी आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।